हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और मेरे भाई और बहनों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर एक और नई भर्ती आ चुकी है। अभी नोटिस जारी हो चुका है, ऑफिस वर्क रहने वाला है, किस प्रकार की जॉब रहने वाली है, जॉब्स के लिए आपको बिल्कुल अपडेट दिया जा रहा है। मेरे भाई और बहन, 22 के 22 जिलों के बच्चे अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल से पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर कि पूरे हरियाणा के बच्चे तो अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए। हरियाणा कौशल निगम के तहत ये जॉब रहने वाली है, फ्रेशर सभी अपना फॉर्म लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, पूरी ए टू जेड जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। अगर मेरे भाई और बहन कोई भी आज हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। भविष्य के अंदर कोई भी नौकरी आएगी, कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी ऑफर लेटर आएगा तो आपको इसी टाइप से पूरी जानकारी देखने को मिलती रहेगी। तो आइए मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं, पूरा डिटेल्स बताता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये भर्ती रहने वाली है। पहले भी आप सभी को बता दिया गया था, पोस्ट का नाम क्या रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट है 22 की 22 आ रखी है, सभी जिलों के अंदर एक पोस्ट रहने वाली है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट रहेगी। सैलरी आपको पर मंथ 30,000 रुपए मिलने वाली है। इसमें पहले ही साफ साफ लिख दिया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो कोऑर्डिनेटर लगेगा उसको 30,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। लास्ट डेट इस फॉर्म की क्या रहने वाली है, 20 अप्रैल इस फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ये फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। सभी भाई और बहन इसको ध्यान से सुन लेना, ये फॉर्म अलग तरीके से भरा जाएगा क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑफलाइन के लिए आपको किस प्रकार के क्या प्रोसेस होने वाले हैं, ऑफिशियल वेबसाइट जो वेबसाइट है उसको भी आप देख सकते हैं जो हरियाणा की रहने वाली है। इसमें पूरा साफ साफ आपको बता दिया गया है कि ऑफलाइन तो फॉर्म है, हरियाणा के अंदर ही आपको जॉब लोकेशन मिलेगी। 22 के 22 जिलों के अंदर हर जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से 22 जिलों के अंदर 22 पोस्टों के अंदर पूरे हरियाणा में जॉब निकल कर आई है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ गया, 5 अप्रैल आज के दिन ये ऑफलाइन है फॉर्म है ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है, 20 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। रिजल्ट सीधा आएगा, रिजल्ट की डेट कोई भी फिक्स नहीं हुआ है, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्म की जो फीस है वो भी 0 रुपए रहने वाली है। आपको कहीं से भी कोई भी डीडी वगैरह बैंक ड्राफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं पे करना है, जो 0 रुपए आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। आपको ओनली जो ऑफलाइन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लगा के आपको एड्रेस पर भेज देना है, वही सेम प्रोसेस रहता है ऑफलाइन फॉर्म का। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए, 18 से लेकर 42 साल तक के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे कि एज में किसी भाई और बहन को छूट चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके आगे हम बात करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए 22 पोस्ट है तो आ रखी है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको किसी भी टाइप का, कोई भी मेरी बहन और मेरा भाई कोई भी इस वीडियो को देख पा रहा है, ग्रेजुएट पास होना चाहिए। आपने किसी भी प्रकार का बीए वगैरह, बीटेक वगैरह, बीएससी, एमएससी, एमटेक वगैरह कुछ भी कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो मिनिमम 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिपार्टमेंट से, तो बिल्कुल आराम से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बिल्कुल नॉर्मल रहने वाली है। ग्रेजुएशन पास वाले सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास वालों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है, बिल्कुल आराम से 22 के 22 जिलों के अंदर डायरेक्ट हर जिले के एक जो कोऑर्डिनेटर को बांटा जाएगा, 22 जिलों में 22 कोऑर्डिनेटर को रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये जॉब बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन पास वाले स्टूडेंट। इसके आगे हम बात करेंगे फॉर्म आपको भरना किस प्रकार से। सबसे मेन कारण तो ये है क्योंकि आपने देखा होगा जब ऑनलाइन फॉर्म रहता था तो आपको दिक्कत नहीं होती थी, परंतु अब ऑफलाइन फॉर्म में सबको दिक्कत आ रही है कि फॉर्म को भरेंगे किस प्रकार से। सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट आपको रिजल्ट बेस पर ही, कॉन्ट्रैक्ट बेस की पॉलिसी वगैरह पे ये भर्ती होने वाली है, और आपको किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आपको डायरेक्ट मेरिट बेस पर, इंटरव्यू बेस पर ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो इसको सेंड कहां पर करना होगा, पहली बात तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये जो फॉर्म है ये शेयर भी कर दूंगा। वहां से आप प्रिंट आउट लेकर अपना फॉर्म लगा लेना, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा देना, एक्सपीरियंस है तो वो लगा देना, 10th+2 लगा देना, डोमोसाइल लगा देना, और इस एड्रेस पर आपको भेज देना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, HKRN भवन, प्लॉट नंबर 101, सेक्टर 12, पंचकूला, हरियाणा। इस एड्रेस पर अपना जो फॉर्म है वो आपको सेंड करना होगा। इस फॉर्म की
लास्ट डेट, वहां पर आपको 20 अप्रैल तक अपना जो फोरम है वो आपका पहुंचना चाहिए। अगर 20 अप्रैल के बाद आपका फोरम वहां पर पहुंचता है तो आपका फोरम होगा रिजेक्ट। तो मेरे भाई रुबेन 20 अप्रैल तक कोई भी फोरम वहां पर पहुंचा सकता है, अभी भी आपके पास में टाइम है। पूरे हरियाणा से कोई भी बच्चा कहीं से भी अप्लाई करेगा किसी भी कोने से, तो बिल्कुल आराम से आपका 20 अप्रैल तक फोरम पहुंच जाएगा हरियाणा के पंचकुला के अंदर। तो बिल्कुल आराम से सभी इस फोरम को अप्लाई करें। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब है, 30,000 रुपए आपको सैलरी दी जा रही है, 18 से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पास वाले कोई भी भाई और बहन अगर फॉरम अप्लाई करना चाहता है, ऑफिस वर्क है, गुड वर्क है, बिल्कुल आराम से आप इस फॉरम को अप्लाई कीजिए। अगर मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को सुन पा रही है, देख पा रही है, बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है बहनों के लिए, तो मेरी बहन सभी इस फॉरम को अप्लाई कीजिए। और किसी भी टाइप का आपको कुछ भी पूछना हो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आपको इसी टाइप से पूरी एक टू जेड जानकारी देखने को मिलती रहेगी। किसी भी टाइप की कोई भी भर्ती आएगी, कोई भी नोटिस आएगा, पूरी अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो मेरे भाई और बहन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे कंटिन्यू देखने को मिलते रहेंगे। और आपको फोरम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आते हैं तो आपको बता दिए जाएंगे, और ये फोरम है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप प्रिंट आउट निकाल लेना और बिल्कुल आराम से फोरम अप्लाई कर लेना। तो मेरे भाई और बहन, सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।